बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की पोएम नंबर 7 टाइम्स का उर्दू तर्जमा पढ़ेंगे। टाइम्स औकात, टाइम प्लूरल टाइम्स, वक्त की जमा औकात। टू एवरीथिंग देयर इज अ सीजन, हर चीज के लिए एक मौसम होता है। एंड अ टाइम टू एवरी पर्पस अंडर द हेवन, एंड अ टाइम और एक वक्त होता है टू एवरी पर्पस हर मकसद का, अंडर द हेवन आसमान के नीचे। अ टाइम टू बी बॉर्न, पैदा होने का एक वक्त। एंड अ टाइम टू डाई, और मरने का एक वक्त। अ टाइम टू प्लांट, काश्त करने का एक वक्त, यानी शजरकारी का एक वक्त। एंड अ टाइम टू प्लक अप डेट विच इज प्लांटेड, और काटने का एक वक्त, जो काश्त किया गया है, जो बोया गया है। अ टाइम टू ब्रेक डाउन, तोड़ने का एक वक्त। अ टाइम टू बिल्ड अप, तामीर करने का एक वक्त। अ टाइम टू वीप, रोने का एक वक्त। एंड अ टाइम टू डांस, और रक्स करने का या नाचने का एक वक्त। अ टाइम टू कास्ट अवे स्टोन्स, पत्थरों को फेंकने का एक वक्त, दूर फेंकने का एक वक्त। एंड अ टाइम टू गैदर स्टोन्स टूगेदर, और पत्थरों को मिलकर इकट्ठा करने का एक वक्त, जमा करने का एक वक्त। गैदर इकट्ठा करना, जमा करना, टूगेदर मिलकर, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर। अ टाइम टू एम्ब्रेस, गले मिलने का एक वक्त। एंड अ टाइम टू रेफ्रेन फ्रॉम एम्ब्रेसिंग, और गले मिलने से बाज रहने का एक वक्त। रेफ्रेन, बाज रहना, एतराज करना, इज्तनाब करना। अ टाइम टू गेट, हासिल करने का एक वक्त। एंड अ टाइम टू लूज, और खो देने का या गंवा देने का एक वक्त। अ टाइम टू कीप, रखने का एक वक्त। एंड अ टाइम टू कास्ट अवे, और परे फेंक देने का एक वक्त। अ टाइम टू रेंट, फाड़ने का एक वक्त। एंड अ टाइम टू सो, और सीने का एक वक्त। अ टाइम टू कीप साइलेंस, खामोश रहने का एक वक्त। एंड अ टाइम टू स्पीक, और बोलने का एक वक्त। डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम एक्लिजियास्टस से ली गई है। तो एक्लिजियास्टस जो है, ये फर्दर बाइबल की एक मशहूर किताब, अंजील की किताब से दी गई है, जिसका एक हिस्सा एक्लिजियास्टस है। तो ये नज़म एक्लिजियास्टस से ली गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही पोएम नंबर 7 जो कि फर्स्ट ईयर के सिलेबस से ली गई है, खत्म होती है। तो एक बात फिर इम्पॉर्टेंट बात, डियर स्टूडेंट्स, पोएम के नाम के साथ आप पोएट का नाम भी ज़रूर याद रखा करें। टाइम्स पोएम जो है, ये बाइबल की एक किताब एक्लिजियास्टस से ली गई है, लिहाजा इसके रेफरेंस में
आप बाइबल का नाम और फर्दर जो हवाला है वो एक्लिजियास्टस का हवाला देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही टाइम्स पोएम की ट्रांसलेशन उर्दू तर्जमा ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।